धर्म नगरी हरिद्वार से, आर्यन हेरिटेज स्कूल अनेक की हेतमपुर रोशनाबाद में, विजयादशमी, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के कार्यक्रम बड़े उत्सव एवं हर्षोल्लास के साथ मनाए गए। बच्चों ने मन भावन कार्यक्रम पेश कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य श्रीमती वंदना त्यागी ने दीप प्रज्वलित करके व आरती करके किया और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने की सीख दी। इसी क्रम में विद्यालय के प्रांगण में गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के शिक्षक श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती किरणलता, सनप्रीत कौर और बच्चों कक्षा 7 आंचल प्रतिभा ईसु, कक्षा 8 अंजलि सक्सेना, उर्वशी रुद्राक्षी अंशिका, कक्षा 10 संजना वंशिका अंशिका ने उनके जीवन में किए गए महान कार्यों का गुणगान किया। साथ ही विद्यालय के प्रांगण में बच्चों के द्वारा रामलीला की प्रस्तुति की गई, जिसमें समीर ने राम, निखिल ने लक्ष्मण, कार्तिक ने भरत और रोहित ने शत्रुघ्न का अभिनय किया। साथ ही प्रियांशी ने सीता का, विनय ने रावण, सालू ने कैकई और आंचल ने मथुरा, प्रियांशु ने हनुमान का अभिनय किया। अभिषेक ने विभीषण, नरेश ने गुरु वशिष्ठ, धीरज विशाल, प्रवीण यशपाल, कमल ने हनुमान सेना की भूमिका निभाई। साथ ही अभिषेक आदर्श, ईशांत, नितेंद्र, रुद्र, तनिष रावण सेना के रूप में दिखे। वहीं भूमिका शिवांगी, सिमरन ने सीता की बहनें बनकर अभिनय किया। कार्यक्रम का सफल संचालन कक्षा 10 के छात्र आदित्य पाठक एवं छात्रा वंशिका ने संयुक्त रूप से किया। इसी अवसर पर विद्यालय के शिक्षकों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें श्रीमती चमोली गुंजन चौहान, मुख्य प्रबंधक सनप्रीत कौर ने बच्चों की साथ सज्जा का काम किया। संगीत शर्मा, ध्रुविका राजपूत ने मंच की साथ सजावट में अपना अहम योगदान दिया। अतः अंत में विद्यालय के प्रबंधक संचालक श्रीमान बसुमित्र त्यागी जी ने विद्यालय के बच्चों को बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश देते हुए रावण का दहन किया। हाँ हाँ दे दिया। रावण सुना मौका देखकर यदि सन्यासी के देश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तब इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती। सीता हरण और इस प्रकार रावण सीता को उठा, उनका हरण लंकार ले जाता है और रिपोर्ट। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।